हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई पहले क्या होता था, जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते थे तो हम मान लेते थे कि बस अब हमारी जो उम्र है वो हो चली है, अब हम बूढ़े होने लग गए हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की भी अगर आप बाल देखते हो तो उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, एक तो नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारे खान पान, तीसरा कि हम केमिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी लग जाते हैं यूज़ करने, और बड़ी उम्र में भी अगर हमारे सफ़ेद बाल दिखना शुरू होते हैं तो हम केमिकल डाई ये सब चीज़ें अपने बालों को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और नतीजा कि जो हमारे बाकी के बाल होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हर्बल पैक शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट रहेंगे फुल्ली नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, कोई भी नुकसान आपके बालों को उनसे नहीं होता है, बल्कि आपके बालों को वो लंबा घना करते हैं। अगर झड़ना स्टार्ट हो गए हैं आपके बाल तो झड़ना भी बंद हो जाता है। साइड में आप देख ही रहे होंगे कि ये देखिए पैक को लगाने के बाद इस तरह का रिजल्ट है। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे बालों को, और देखिए एक बारी में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको रेगुलरली चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं कैसे पैक बनाना है, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है, कितनी देर रखना है सारी चीज़ें। पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है हिना। आप कोई से भी ब्रांड की हिना ले सकते हो। ये मैं देखिए बालों के लिए स्पेशल ये वाली हिना यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और जैसा कि आपको पता ही है कि हिना आपके बालों को कंडीशनिंग का काम करती है, इसके अलावा भी आपके बालों को कलर देती है, और वो सारे गुण इसमें होते हैं जो आपके बालों को बढ़ाने का काम करती है। बालों के लिए मतलब ना सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आपके बाल रफ़ हैं, कोई भी शाइन नहीं है, उस चीज़ के लिए आपको रेगुलरली हिना का अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए, फिर देखिए आपको फ़र्क महसूस होगा। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ये हिना मेहंदी के लिए हैं। आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ही ये इसलिए ली है क्योंकि हमने इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है जो कि अगेन आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा आपके बालों को नेचुरली काला करने के लिए बहुत ज़बरदस्त पैक ये बनने वाला है। देखिए ये मैंने लोहे की कढ़ाई ले रखी है, अगर आपके पास इस तरह की कढ़ाई ना भी हो तो आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो कढ़ाई है ना ये इसमें मतलब एक काला काला कश जैसा लगता है अगर आप मेहंदी आंवला ये सब चीज़ें इसमें ऐड करते हो तो। और फिर इससे ना ब्लैक जैसा जैसे इस पे आप देख रहे हो ना, इस तरह का कलर जो है मेहंदी में भी आ जाता है। इसको आपको ओवरनाइट रखना होता है, और मतलब रात को पैक बना लीजिए और सुबह मॉर्निंग में फिर उसे अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से मैंने हिना ले ली है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेन इंग्रेडिएंट जो आपके बालों को काला करता है वो है आंवला, और आंवला के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि आंवला जो है एक औषधि की तरह काम करता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों को काला करने के लिए। यहाँ पर भी अगेन कोई से भी ब्रांड का आप यहाँ पे आंवला पाउडर ले सकते हैं, अगर आपके पास घर पे अपने फ्रेश खुद का बनाया हुआ है वो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगेन 1 बड़ा चम्मच मैंने आंवला पाउडर का लिया है, और बस बहुत है, बहुत ज़्यादा आंवला पाउडर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवला जो है ना मतलब एक गुणों की खान है, और थोड़ा सा भी हमें मिल जाए ना तो समझिए कि आपकी बात बन जाए। इसके अलावा एक और मेन चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी जो अगेन आपके बालों को काला करने के लिए, आपके बालों को बढ़ाने के लिए, आपने सुना ही होगा कि हिबिस्किस का फ्लावर जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें वो सारे गुण होते हैं जो कि आपके गंजे सिर पे भी बाल उगा सकते हैं, मतलब इतने गुण इसमें होते हैं अगर रेगुलरली आप इस्तेमाल करते हो तो। अगेन ये आपके बालों को कलर भी देता है, अगर नेचुरली आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो यह आंवला हिबिस्किस और मेहंदी एक ऐसा पैक है जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और फॉरएवर के लिए देता है। देखिए हिबिस्किस का फ्लावर जो है रेड जैसे कलर का होता है, और इसका पाउडर ये देखिए कैमरा में थोड़ा सा मतलब आपको ऊपर नीचे दिख जाता है, लेकिन ये देखिए इस तरह का ये है। अगेन इसका भी 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, और आप भी कोई से भी ब्रांड का जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो वाला आप लीजिए और जरूर यूज़ में लाइए। एक बार इस पैक को आप यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। सिर्फ महीने में एक बार भी अगर आप लगाओगे तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा अगर आप लगा सकते हो तो हफ्ते में एक बार ये पैक जरूर लगाइए। आप मैं बोलती हूँ आपको बालों के लिए कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, ना कोई पैक लगाने की, ऑयलिंग करने की, मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी अगर आप इस पैक को रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो। देखिए वैसे तो यहाँ पर भी आपका ये जो पैक है
एक बड़ा कटोरी दही का आप ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके पैक बना करके, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आप रात को पैक बना लीजिए और मॉर्निंग में फिर अपने बालों में अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर रखना है, वो भी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे अभी इसमें दही नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। और जब आप मेहंदी पैक बना ही रहे हो, क्योंकि देखिए मेहंदी जो आप बालों में जब लगाते हो ना, तो आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लगा दिया, मतलब तुपा तुपा सा, तो वो चीज़ अब आपने कर ही दी है, तो क्यों ना इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें भी ऐड कर लें जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, ये है भृंगराज पाउडर। अगेन, भृंगराज के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भृंगराज जो है अपने आप में अगेन बालों के लिए एक वरदान है। और आप बाल अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो अगेन आप एक बार जरूर भृंगराज का ये जो पैक है ये लगाइए, या फिर इसका टोनर बना करके यूज़ में लाइए, तो आपको बहुत फ़ायदे जो है नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक बड़ा चम्मच जो है भृंगराज पाउडर का ले लिया है। जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अब जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास होंगी, क्योंकि लॉकडाउन देखिए का टाइम है, सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए, आंवला पाउडर, मेहंदी और ये हिबिस्कस का फ्लावर। अगर नहीं होगा तो आप जो है ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, मिल जाता है इजीली। इसके अलावा देखिए एक और चीज़, रीठा पाउडर। रीठा के बारे में अगेन आपने सुना ही होगा कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए वो सारे प्रॉपर्टीज, गुण पाए जाते हैं इसमें, नेचुरली आपके बालों को क्लीन भी करता है और सिल्की शाइनी बनाता है। तो और बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं, झड़ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मौसम बदल रहा है तो बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर एक चम्मच अगेन मैंने रीठा पाउडर का लिया है। एंड इसके बाद एक और चीज़, वो है शिकाकाई पाउडर। देखिए आंवला, रीठा, शिकाकाई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं इनके फ़ायदे कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे होते हैं। अगेन एक चम्मच मैंने यहाँ पर भी इसका ये ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली हैं। और एक और चीज़ वो है ये कलौंजी। देखिए कलौंजी ब्लैक सीड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इस तरह की होती है और अगेन बालों को काला करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ है। तो आपको अगर आप बालों को काला करने के लिए स्पेशली मतलब कलर देने के लिए पैक बना रहे हो तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, पीस लिया है, और इसके साथ मेथी भी मैंने ऐड की है। अगेन मेथी भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, आपको पता ही होगा कि मेथी हमारे बालों को दुगनी तेजी से ग्रो करती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मेथी और इस कलौंजी का एक पाउडर बना करके रखा है, पीस करके रख दिया है, और जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं तो या तो मैं इसे पैक की तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर मैं इसका एक टोनर बना करके बालों में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद होता है और बालों को नेचुरली कलर देने के लिए कलौंजी बहुत इफ़ेक्टिव है, तो ये भी आपको ज़रूर लेना है। कलौंजी मतलब आप ज़रूर लीजिएगा, और कलौंजी और मेथी ले रहे हो तो भी बेस्ट चीज़ है। तो सारी की सारी चीज़ें मतलब आप ये मान के चलिए जब आप इस पैक को अपने बालों में लगाओगे तो ये एक गुणों की खान है, मतलब सारी सारी प्रॉपर्टीज, हर चीज़ हमने इसमें ऐड कर ली है। अब आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बस अब आपने क्या करना है, एक कटोरी इस तरह से दही। दही अगेन मतलब बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब बहुत सारे गुण इसमें होते हैं। तो ये दही भी आपको ज़रूर लेनी है, अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है या फिर बालों में इचिंग वगैरह कुछ भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं जो है इस पैक को लगाने के बाद आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से मिक्स, और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें आप पानी ऐड करते जाइए और इसको एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लीजिए। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी लम्स, कोई भी गांठें जो है इस पैक के अंदर नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए, ढक के रख दीजिए कहीं पर, ओवरनाइट आपने इसको ऐसे ही रखे रखना है। सुबह जब आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद इसमें काली परत जो है, ब्रश की हेल्प से आप इसे अपने बालों में लगाइए, और लगाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे तक इसी तरह से लगा रहने दीजिए। इससे ज़्यादा भी अगर आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, रखिए आप, और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हो सके तो आप इसमें एग भी डाल सकते हो, क्योंकि एग जो है प्रोटीन उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी में होती है, और प्रोटीन की ज़रूरत भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर पॉसिबल होता है तो आप ऐड कीजिए, नहीं अगर आपने ऐड करनी है तो भी इसमें मतलब जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो सब की सब हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो लगभग 2 से 3 घंटे अपने बालों में इसे रखने के बाद आप अपने बालों को सादे पानी से धो लीजिए,
अगर आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो रहा हो तो आप हल्का सा शैम्पू भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप बस सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए। उसके बाद आप बालों में ऑयलिंग जरूर कीजिए, ऑयलिंग के बाद फिर आप एक दो घंटे के बाद शैम्पू भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपसे पॉसिबल हो उस तरीके से आप यूज़ में लाइए, लेकिन स्पैक को हफ्ते में अगर आप एक बार यूज़ करते हो तो एक महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट जो है दिखना शुरू हो जाएंगे बहुत अच्छे वाले, और परमानेंटली आपके बाल जो है काले इससे होते जाते हैं। पहली बार में भी आपको दिखेगा जैसे मेहंदी से पीले पीले से बाल हो जाते हैं, वैसे इससे नहीं होते हैं, एक मतलब पक्का जैसा ब्लैकिश कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बारी में ही बिल्कुल डार्क जैसे मेरे दिखते हैं आपको वैसा नहीं होगा, आपको रेगुलरली यूज़ में लाना होगा। लगभग 3-4 महीने जब आप रेगुलरली यूज़ करोगे फिर आप उसके बाद मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके बाल जो है परमानेंटली इस तरह के हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे से भी दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब बहुत अच्छा कलर जो है आपके बालों का हो जाता है, बहुत ही शाइनी होता है। धूप में जब आप जाओगे ना तो बर्गेंडी जैसा कलर दिखता है, और जब आप रूम में होते हो तो इस तरह से ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक आपका दिखता है। मतलब कमाल के आपके बाल सिल्क की शाइनी हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है ना आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो बस एक पैक ही तो है, लगा सकते हैं हम, और अगर आपसे पॉसिबल नहीं होता है हर हफ्ते लगाना तो आप महीने में लगभग 2 बार इसे जरूर यूज़ कीजिए। तो बस जी, फिर आज की वीडियो की भी कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।